दुशासन आज द्रौपदी माता को केश पकड़कर खींच के लेके आता है और आज दुर्योधन ने आज्ञा दी कि इस स्त्री को निर्वस्त्र कर दो। जैसे ही आज साड़ी को खींचने लगा दुशासन, तो आज जगह जगह दौड़ी, रोती है, गिड़गिड़ाती है, सबसे यही याचना करती है, हे भीष्म पितामह, हे गुरु, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, हे सभासदों, मेरी रक्षा करो। अरे मुझ स्त्री की कोई रक्षा करो, स्त्री का अपमान भैया पहले भी होता था और अब भी होता है, उस समय भी होता था और इस समय भी होता है। आज आज दुर्योधन अपमान करता है माता द्रौपदी का, साड़ी को खींचने लगा, आज सब दर पे जाती है, सब जगह माथा टेकती है, द्रौपदी को कहीं भी ठोर नहीं मिला। तब आज द्रौपदी माता सोचती है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसके पास कोई ठोर नहीं होती उसकी ऊंची ठोर राधिका रानी होती है, श्री राधा रानी होती है। और दोनों हाथों को उठाया और आज द्रौपदी माता कन्हैया को पुकारने लगी, कन्हैया मेरी रक्षा करो। और जैसे ही आज कन्हैया को पुकारा ही था तो भगवान श्री कृष्ण वस्त्र अवतार के रूप में प्रकट हो गए। बोले वस्त्र अवतार भगवान की जय। आज भगवान वस्त्रों के रूप में प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी को खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा, परंतु आज साड़ियों का तो पूरा पूरा पर्वत बन गया, पहाड़ हो गया, परंतु साड़ी का और छोरी नहीं है। मानो आज कन्हैया ने पूरे ब्रजवासियों की साड़ी लेकर द्रौपदी माता के पास भेज दी, लो पहनते रहो पहनते रहो। अर्थात एक कटी हुई उंगली पर कपड़ा बांधा था, किसने? द्रौपदी माता ने कृष्ण को, और कन्हैया ने उसके बदले क्या दिया? पूरे संसार की साड़ी भर दी, पूरे संसार की साड़ी दे दी। एक छोटे से वस्त्र का इतना बड़ा वस्त्र कर दिया कन्हैया ने। मानो भगवान कह रहे हो, अगर अगर अपना जीवन, अपना सर्वस्व कन्हैया को अर्पित करोगे तो ठाकुर जी भी अपना सर्वस्व आपको निवेदन कर देते। मतलब ठाकुर जी आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने द्रौपदी को बचा लिया, रक्षा की है, उसी प्रकार अगर आप मेरे हो जाओ, अर्थात आप कृष्ण के हो जाओ, तो आज कन्हैया भी आपको अपना लेंगे और हर पल आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे कन्हैया है हमारे, ऐसे कृष्ण है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कि साड़ी की है नारी है कि नारी की ही साड़ी है। कहाँ करे बैरी प्रबल जो सहाय दुबी, दस हजार गज बल थक्यो घट्यो न एक दस गज ची। कि सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो है बल दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरी नाम। कहने का भाव इतना सही था कि आज जब द्रौपदी माता ने कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण आज स्वयं द्रौपदी माता को बचाने आए, द्रौपदी माता की रक्षा करने आए। अगर आप भी ठाकुर जी का नित्य निरंतर नाम स्मरण करोगे तो कन्हैया भी आपकी रक्षा करने के लिए बारंबार दौड़ेंगे, क्योंकि कन्हैया हम सबसे एक जैसा ही प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम, है ना। तो आज क्या हुआ कि जब सब कुछ हार गए पांडव, तो 12 वर्ष का वनवास हुआ, एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ जिसमें छुपकर रहना पड़ता है। 12 वर्ष का वनवास संपन्न हुआ, एक वर्ष का अज्ञातवास था, महाराज विराट की नगरी में पूरा किया। कीचक की दृष्टि द्रौपदी माता पे पड़ी, जिससे आज भीमसेन ने कीचक का भी उद्धार कर दिया। कीचक को किसने मारा? दुर्योधन को पता लगा कि भीमसेन के अलावा कीचक को कोई मार नहीं सकता। मानो इसका मतलब अब अज्ञातवास पूरा हो चुका है और पांडव छुपे हुए हैं, तो इसलिए आज दुर्योधन कौरवों की सेना को लेकर आया, महाराज विराट की नगरी पे चढ़ जाता है, चढ़ाई कर देता है।